हेलो फ्रेंड्स, हेमा किचन में आपका स्वागत है। आज हम मलाई कोफ्ता करी बनाएंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए। मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करना न भूल। चलिए अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने 3 टमाटर लिए हैं जिन्हें काट कर मैं कुकर में डाल रही हूँ। 2 चम्मच काजू टुकड़ा डालेंगे, 2 चम्मच मेलन सीड, 2 चम्मच कॉफी सीड जिन्हें खसखस के दाने भी बोलते हैं, 1 इंच अदरक के टुकड़े, 1 चम्मच साबुत जीरा, 1 से 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच चीनी, 2 इलायची, 1 तेज पत्ता, 1 चम्मच ऑयल डालेंगे, 2 चम्मच दही, स्वाद अनुसार नमक। अब इसमें 1 कप पानी डालकर हम अच्छे से मिक्स करके कुकर का ढक्कन लगा देंगे और 2 सीटी आने तक हम इंतजार करेंगे। कुकर की 2 सीटी आ गई है, हमने गैस बंद कर दिया है। कुकर की स्टीम निकल रही है जिससे हम कोफ्ते की तैयारी करेंगे। हम लेंगे 150 ग्राम पनीर जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है, 2 चम्मच रिफाइंड फ्लावर, स्वाद अनुसार नमक, 1/2 चम्मच सफेद काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच बारीक कटे हुए काजू। इन सब को अच्छे से मिक्स करके हम बॉल्स बनाएंगे। हमने अच्छे से पनीर और मैदे को मिक्स कर लिया है। अब हम इसके बॉल बनाएंगे। थोड़ा सा पानी का हाथ लेंगे और छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। अब हम बॉल्स को फ्राई करेंगे। कोफ्ते गोल्डन फ्राई हो गए हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। कुकर की स्टीम निकल गई है, अब हम हैंड मिक्सर ग्राइंडर से इसी में मैश कर लेंगे। ग्रेवी को हमने मैश कर लिया है, अब हम इसे छान लेंगे। ग्रेवी को हमने छान लिया है, अब इसे 2-3 उबाल आने तक पकाएंगे। अब 1/2 चम्मच गर्म मसाला पाउडर, 2 से 3 चम्मच हम क्रीम डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। करी बनकर तैयार हो गई है, अब हम गैस बंद कर देंगे और मलाई कोफ्ता करी सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए हम ग्रेवी को एक बाउल में निकाल लेंगे। ग्रेवी में हम कोफ्ते डाल देंगे, क्रीम से हम गार्निश करेंगे। मलाई कोफ्ता करी खाने में बहुत ही डिलीशियस बनी है, आप इसे जरूर ट्राई